हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट श्रिम्प्स, उनको कैसे ब्रीड कर सकते हैं हम। सो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको श्रिम्प्स को ब्रीड करने में प्रॉब्लम रहती है, बट इट्स वेरी इजी। आप अगर ढंग से कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। और वैसे भी श्रिम्प्स काफ़ी काफ़ी लो मेंटेनेंस होते हैं, आपको इतना चीज़ों का ध्यान नहीं देना पड़ता। बट आप दो तीन पैरामीटर्स जो अगर देखते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके श्रिम्प्स काफ़ी जल्दी जल्दी ब्रीड करने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फीमेल के पेट में कितने सारे एग्ज़ हैं अभी, एंड ऐसे ही कम से कम 6 से 7 फीमेल्स मेरे टैंक में अभी भी हैं। एक ये भी आप देख सकते हैं जो पीछे एक फीमेल है उसके पेट में येलो पार्ट जो है, दैट इज़ ऑल एग्स। सो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप श्रिम्प्स अपने टैंक में डालते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी ग्रीनरी प्लांट्स एंड ऑल रखें अपने टैंक में, जो कि उनको हेल्प करता है। सो ये उनकी हाइडिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, एंड उसके साथ साथ उनको एल्गी एंड फंगस भी मिलता है, एंड पानी का प्रोटीन भी मिलता है। सो इट इज़ गुड फॉर देम। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे फिश भी हैं, दैट इज़ गप्पी के किड्स। सो ये उनको हार्म नहीं कर पाते इतना, इसीलिए ये फॉर द टाइम बींग है। जैसे ही इनका थोड़ा साइज बड़ा होगा तो आई ट्रांसफ़र देम टू द अनदर टैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं गप्पीज का साइज़ ज़्यादा है, तो इट वोंट बी पॉसिबल कि अगर मैं इन्हें इधर डालता हूँ तो वो उन्हें मार देंगे। सो वापस आते हैं श्रिम्प्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी हाइडिंग स्पेस है, एंड हाइडिंग स्पेस ये जो ग्रास है उसकी भी है, एंड आई हैव सम प्लांट्स एज वेल। प्लांट्स के साथ साथ ड्रिफ्ट वुड, एंड उसके साथ साथ दिस इज़ ऑल मॉस। सो मॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सो मुझे ये ट्रिम करना होगा, एज इसमें कभी कभार श्रिम्स फंस भी जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, नेवर माइंड। तो आज हम बात करते हैं कि श्रिम्स की ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। मेन एस्पेक्ट जो होता है उनका, ये आप देख सकते हैं बेबीज, सो ये पेट का जितना भी येलो पोर्शन है दैट इज ऑल एग्स श्रिम्प्स के अंदर। सो इन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेन फर्स्ट पॉइंट कि आपके टैंक में काफ़ी सारे हाइडिंग स्पेस होने चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट आपको अपने टैंक के अंदर अगर आपको ब्रीडिंग करनी है तो आपको श्रिम्प्स के अलावा दूसरी फिश नहीं रखनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज अगर आप अपने श्रिम्प्स के साथ दूसरी फिश रखते हैं, एंड बहुत कम चांसेस रहते हैं कि श्रिम्प्स ब्रीड करें, क्योंकि उनको सेफ फील नहीं होता। उसके अलावा आप जब भी श्रिम्प्स के टैंक में देखते हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम वाटर चेंजेस करें। पानी का पैरामीटर्स ज़्यादा चेंज होने पर श्रिम्प्स के लिए प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा टैंक है इसमें अराउंड 2 मंथ्स से ये श्रिम्प्स हैं, एंड मैंने अभी तक वाटर चेंज नहीं किया है इसमें। मैं बस फिल्टर जो है उसको भी मिनिमम पेस पे चल रहा है, मैं बस फिल्टर साफ़ कर देता हूँ, एंड आई एड वाटर जो कि पहले से ही मेरे पास पड़ा हुआ है। इट्स लाइक कि अगर आप अपने श्रिम्प्स के टैंक में पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप 1-2 लीटर की पानी की बॉटल भर के रख सकते हैं अपने पास, एंड वो कुछ टाइम तक आपके पास पड़ी रहेगी, तो उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप पानी ऐड करते हैं तो वो इनके लिए अच्छा नहीं रहता, अगर स्टेबल पानी ऐड करते हैं तो वो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर इनके केस में ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इट्स लाइक कि अगर आप 20-25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो ये इनके लिए परफेक्ट टेम्परेचर होता है ब्रीड करने के लिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैं बहुत कम श्रिम्प्स लाया था अभी, आई डोंट थिंक बेबीज दिखेंगे, बट इसमें काफ़ी सारे श्रिम्प्स ऑलरेडी ब्रीड कर चुके हैं। मैं मैक्स टू मैक्स 10 श्रिम्प्स लाया हूँ और इस टाइम पे अराउंड 30-40 श्रिम्प्स इसमें ऑलरेडी हैं। सो एक बारी जब ब्रीडिंग इनकी ट्रिगर हो जाती है उसके बाद ये अपने आप ही ब्रीड करते जाते हैं। सो इसके अलावा एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो फीडिंग आप देते हैं, अगर आपके टैंक में कोई फिश नहीं है सिर्फ श्रिम्प्स हैं,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत कम जैसे कि यूज़ कर सकते हैं कोई भी टाइप का फूड, एक या दो पैलेट इन फिश श्रिम्स के लिए काफ़ी होता है। जैसे कि मैं टेट्राबिट्स कभी कभार डाल देता हूँ, एक दो पीसेस, उससे ज़्यादा नहीं, वरना उसके पानी के पैरामीटर्स में प्रॉब्लम आती है। सो ये थे तरीके कुछ श्रिम्स को ब्रीड करने के लिए। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।